ज्यों ज्यों रात गहरी होती जाएगी यहाँ फैक्ट का कोहरा बढ़ता जाएगा और यहाँ लोग ऑक्सीजन की जगह फैक्ट ग्रहण करेंगे। मैं उस जगह पर खड़ा हूँ जहाँ लोग एक दूसरे को न उसके नाम से जानते हैं न उसके प्रांत से जानते हैं बल्कि वो उसके सब्जेक्ट से जानते हैं। असल में मैं इस वक्त खड़ा हूँ हिंदुस्तान को कलेक्टर देने वाली फैक्ट्री कारखाना मुखर्जी नगर दिल्ली में। आइए अब देखते हैं इन फैक्ट्री में क्या क्या है। बाप रे इतना किताब है यार, सब पढ़ लेते हैं भाई। मूलतः यहाँ पर एक जमाना था जब उत्तर प्रदेश और बिहार की काफी आबादी रेल पर लद के दिल्ली आ जाती थी कलेक्टर बनने के लिए, लेकिन अब यहाँ बिक रहा मोमोज बता रहा है कि अब बड़ा ग्लोबल हो चुका है मुखर्जी नगर और अब यहाँ पर देश के कई प्रांत से कई तरह के लड़के भी आते हैं। आप लोग सर विद्यार्थी हैं? भैया पार हो जाइए, क्या कीजिएगा, तैयार लंबा है जरा सर, निकल जाइए निकल जाइए, आइए 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 आइए, तैयारी वाले नहीं लगता है भैया मेरे। हाँ कोई बात नहीं, लज बजाइए, इस तो तैयारी का जगह है लज बजाने का। आप लोग आइए, तैयारी करते हैं। कहाँ से हैं? हरियाणा। हरियाणा कलेक्टर बनना चाहते हैं कि और कुछ? आईएएस। आईएएस कलेक्टर और आईएएस। जय हरियाणा, जय हरियाणा मेरे भाई साहब, बनिए आप कलेक्टर और आईएएस, ये दो प्रकार आपको यहाँ पर पता चला है। मैं यहाँ पर और विद्यार्थियों से बात करता हूँ, भाग रहे हैं। अरे यार इंटरव्यू कैसे फेस कीजिएगा आप लोग महाराज, आए इंटरव्यू कैसे फेस होगा बताइए। आप सर, आप भी, आप क्या हैं, टीचर? अच्छा अच्छा, कुछ नहीं है, माया भी है यहाँ पर। यहाँ पर व्यक्ति दर्शन शास्त्र पढ़ते पढ़ते कुछ नहीं हो जाता है। मैं कुछ और लोगों से बात करता हूँ। आप तो सर तैयारी कर रहे होंगे? नहीं सर, मैं तैयारी नहीं कर रहा अभी। दिल्ली में इतना भीड़ का है, मैं अभी 10 आदमी से मैंने पूछा, उसमें 9 तैयारी नहीं कर रहा है। तो इतना भीड़ का है मुखर्जी नगर में लेने के लिए आए सब? आज एक रहस्य खुला है, मौज लेने के लिए। आप तैयारी मौज करने के लिए आए? तैयारी कहाँ, मैंने बोला तैयारी नहीं कर रहे हैं। अच्छा, आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं उसका मौज लेने आए हैं? नहीं, मैंने ये नहीं बोला, मैं बोला है सब लोग मौज कर रहे हैं। मौज करें सब लोग, मौज करें, मौज करें। इनके हाथ में किताब है, ये असल में ये वो किताबें हैं जो तकदीर बनाती हैं और कई बार इस भट्टी में कई प्रतिभाएं जल के राख भी हो जाती हैं। लेकिन 9 वर्ष की मैं आपको शुभकामना देता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मौज ना करें बल्कि अपने मिजाज में कुछ ऐसा करें जो देश के काम आए। और ये आपके मित्र हैं? नहीं है, दुश्मन है क्या आप लोग? हिंदुस्तान में जहाँ पर लाल बत्ती अपनी हनक के साथ अपना रुतबा दिखाती है वहाँ पर हर भारतीय को ये लगता है यार इसे कहते हैं प्रतिभा। अरे बैठे टैलेंट मेरे भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरे बाबू, आ जाओ, कोई बात नहीं है। बत्ती का रंग बदल गया है लेकिन हनक तो वही है ना। असल में मैं उस जगह पर खड़ा हूँ जहाँ पर तर्क में चार्वाक भी हार गया था, जहाँ शंकराचार्य एनसीईआरटी की किताबें पढ़ के फैक्ट भूल जाता हो, मैं उस मुखर्जी नगर में खड़ा हूँ। मैं कह रहा था कि नीली और लाल बत्ती का हनक हिंदुस्तान की एक बड़ी आबादी को, नौजवानों को आईएएस बनाने के लिए यहाँ पर ले आता है। इसमें कई डॉक्टर्स हैं, कई इंजीनियर्स हैं, लेकिन फिर भी बत्ती का जो हनक है उसका कोई जवाब नहीं है। कहाँ से हैं आप? बलिया। बलिया से बड़ा, तू का कर रहे? बड़ा पढ़े पढ़े पढ़ रहा ना गाँव में? हाँ पढ़ के ले बनी है, आप पढ़वे करो। आप पढ़ के का बनब? ना आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी राइट नाउ। ये अंग्रेजी है कि भोजपुरी है? काहे लिखल बा कहीं कि बलिया के लोग अंग्रेजी ना बोले आएला। हां वाह वाह वाह, हमरा हलकाबो तोर ना बोलो काल से। तो आईएएस के तैयारी करायल बड़ा? ना हम आईएएस के भी तैयारी नहीं की करे, हम एसएससी की तैयारी करते नहीं अभी। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। आप तैयारी करते हैं यूपीएससी की? कहाँ से हैं आप? मैं बिहार से हूँ। कहाँ से? बिहार से। कहाँ? बिहार में? पटना से। आईएएस क्यों बनना चाहते हैं? बहुत आईएएस नहीं, अभी पीसीएस की तैयारी कर रहा हूँ। मतलब आप सरकारी ऑफिसर क्यों बनना चाहते हैं? यही सिस्टम को चेंज करना है। सिस्टम को चेंज करना है, चेंज कर देना है। बिहार वार में सुनते हैं कट्टा निकाल के लड़का भी सिस्टम को चेंज कर देता है। हाँ हम उसी जगह से हैं। तो आप तय किए हैं कि नहीं सिस्टम को कलम से? सिस्टम को एकदम कलम से चेंज करना है, संवैधानिक रूप से। आप वीडियो बन जाइएगा तो सिस्टम चेंज हो जाएगा, विश्वास है? वीडियो बन के कुछ नहीं होगा सर। क्या बनना होगा? एकदम आईएएस। यस सर। घूस नहीं लीजिएगा? नहीं नहीं, घूस नहीं लेंगे ना लेने देंगे। ये
कसम से, कसम से नहीं तो और क्या, लोग बदल जाता, बदल नहीं, जो बदलेगा, जो दुगला होगा वो बदलेगा ना। आप गाली दे रहे हैं महाराज, और क्या, आपको क्या लगता है सर? आप पूरा तमतमा रहे घूस के नाम पर, आपको है ईमानदारी और क्या? नहीं लीजिएगा ना रिश्वत? नहीं नहीं नहीं, धरती क्रिया बोलिए, नहीं लीजिएगा एकदम। आपका क्रिया? धरती क्रिया बोलिए, एकदम धरती क्रिया। भाई तैयारी में केवल एनसीईआरटी की किताबें ही नहीं होती हैं, भोजन भी होता है, पानी भी होता है, सोना भी होता है, उठना भी होता है, खाना होता है। मैं अभी मुखर्जी नगर के एक ठेले रूपी ढाबे पर हूँ जहाँ पर विद्यार्थी खाना खाते हैं। हालांकि अभी जो आप देख रहे हैं यहाँ पर माहौल बिल्कुल खाली है, इसका कारण ये है कि आज 31 तारीख की रात है, 31 दिसंबर की रात है। साल भर में एक दिन तो बहाना मिलता है यहाँ के विद्यार्थियों को कि सेलिब्रेट किया जाए अपनी ज़िंदगी को। तो आज ये 40-50 रुपये वाला जो ठेला वाला जो ढाबा है, जो उनकी रोज़ की ज़िंदगी में लिखा गया है, आज यहाँ पर सन्नाटा है। पंजाबी ढाबा लिखा गया है, लेकिन मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थानियों के लिए भी दाल भात चोखा सब्जी राजमा वगैरह यहाँ पर परिपूर्ण मिलता है। मैं बात करता हूँ, कोई है भैया यहाँ पर जो आप हैं? विद्यार्थी लोग यहीं खाना खाते हैं? हाँ जी। तो आप तो कई आईएएस को भी खाना खिलाए होंगे? हाँ जी खिलाया। तो अब बनने के बाद कलेक्टर मिलता है आके? नहीं मिलता। नहीं मिलता है? ये लोग तो कहता है देश का सेवा करना चाहते हैं। हाँ जी। तो आप भी तो देश में हैं? हाँ जी। तो आता नहीं मिलने? नहीं आते हो मिलने। कभी ऐसा नहीं हुआ कोई आके आपको बोला हो कि देखो याद करो हमको, एक बार उधार नहीं दिए थे 10 रुपये, आज हम आईएएस बन गए, देखो? नहीं नहीं बोलते हो आगे। हाँ? नहीं बोलते ऐसा कोई नहीं? नहीं। कलेक्टर बन के लोग चले जाते हैं ये बता रहे हैं, हालांकि सब लोग यही कहते हैं कि हम इसलिए बनना चाहते हैं कि गरीब पिछड़े कमज़ोर के लिए हम कुछ कर पाएँ, इसलिए तो हम आईएएस बनना चाहते हैं। हालांकि इस ढाबे वाले की ज़िंदगी में अभी कोई ऐसा विद्यार्थी नहीं आया जो एक बार कलेक्टर बना हो वापस इनसे मिलने आया हो। मुखर्जी नगर में एक चाय की दुकान पर खड़ा हूँ और ये वो जगह है जहाँ लोग सिगरेट पीते पीते धुएँ से भी सुखा मानचित्र बना देते हैं और उस मानचित्र में फिर कोई द्वीप ढूंढते हैं, कोई देश ढूंढते हैं, लेकिन उसी मानचित्र में एक ऐसा भी जगह है, एक ऐसी भी मंजिल है जहां तक पहुंचना इन लड़कों का सपना होता है। और ऐसे में इनके संघर्ष और इनकी इतने मेहनत के बीच में से ये कैसा जीवन जीते हैं, आइए हम इन्हीं से पूछते हैं, इनसे बात करते हैं थोड़ा सा। सर आप लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं, कहाँ से हैं आप? सर कुशीनगर से, उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश कुशीनगर से। महात्मा बुद्ध को शायद वहाँ पर, जी जी वहीं पर क्रीमेशन हुआ था, महापरिनिर्वाण वहीं पर प्राप्त हुआ था बुद्ध को, आप वहाँ से हैं, आप परिनिर्वाणी धरती से हैं, कितने साल से यहाँ पर हैं आप? सर मुझे तो 2 साल हो गए। 2 साल हुए हैं। मैं अगर इसको मात्र 2 साल कहूँ तो चलेगा? कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं यूपीएससी काफ़ी समय ले लेता है। ले लेता है? हाँ। क्यों लेता है इतना समय, जबकि इंटरव्यू में हम लोग पढ़ते हैं जो लड़का पास कर जाता है वो कहता है कि साल भर की मेहनत है, खटाखट एनसीईआरटी पलटो, तकदीर पलट दो, तो फिर यहाँ फंस जाता है लड़का का है। पता नहीं कौन कहता है ये सब बातें, मुझे भी समझ में नहीं आ रही, या तो ये आसमान से आती है या तो धरती के नीचे से निकल रही है। मतलब किसने ये अफवाह फैला दी, भारत की झूठी आज़ादी, ऐसा टाइप का है क्या कुछ? नहीं पता सर, क्योंकि मैं भी हिंदी मीडियम का छात्र हूँ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन किया है और गोरखपुर यूनिवर्सिटी से मेरा पीजी है, लेकिन मैं 2 साल हो गए यहाँ दिल्ली आए हुए। तैयारी में काय हुरकुसता है रे, करने देगा तैयारी? हाँ तो कोचिंग भी करते सर काफी समय हो गया, लेकिन ये ठीक है कि अच्छी बात है कि जो कहते हैं वो कहते होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ये मेहनत भी मांगता है, समय भी मांगता है, एक पंचवर्षीय योजना तो भगवान ने मालिक है, एक तो चाहिए चाहिए। आपका कब से कब का पीरियड है? 2015 to 22? नहीं सर 15 to 22 हाँ कह सकते हैं, मेरे पिताजी तो यही सोच के चले। चलिए चलिए, लंबी योजना है, अगर कोई ये सोचता है लंबी योजना है। अच्छा ये बताइए यहाँ रहने में क्या क्या आपको कठिनाई आती है, जैसे कि मैं सुनता है बहुत सस्ता कमरा मिलता है शायद? सस्ता तो नहीं मिलता है, कमरे के रेट काफी ज्यादा है यहाँ पे, सस्ता नहीं है कमरा। कितने का कमरा आता है? 5-6 हज़ार मिनिमम। 6 हज़ार में कमरा की किचन? क्या किचन ही रहता है, कमरा नहीं रहता है, छोटा सा किचन टाइप रहता है वो। इतना कष्ट काहे उठाते हैं, ये नौकरी क्यों करना चाहते हैं आप? इस नौकरी में कुछ समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पे पहुँच के हम लोग समाज के लिए काफ़ी कुछ बेहतर कर सकते हैं। 8-10 साल में देह गला लीजिएगा, फिर समाज के लिए क्या कर पाइएगा, नहीं आपको ऐसा नहीं लगता है? पूरी ज़िंदगी बाकी है महाराज अभी तो। हाँ और क्या, करने के लिए पूरा समय। ऐसे जज्बा वाले लोगों को यूपीएससी की तैयारी ऐसे ही लोगों को ढूंढ के निकालती है सफलता के लिए। अच्छा मैं और कुछ लोगों से बात करता हूँ, यहाँ कुछ समस्याएं आप लोग बताइए, सब लोग बता रहे हैं अश्वमेध का घोड़ा है, कुछ समस्याएं यहाँ पर मैं सबसे पहले तो बहुत
घटिया क्वालिटी की मिलती है यहाँ पर कमरे बहुत घटिया क्वालिटी मिलती है। बिजनेस मैंडेट जो है ना किराए रखने का एक बिजनेस बना रखे है, ना कोई फैसिलिटी है और ना कोई आपको मतलब कुछ सुनवाई होती है, रेंट ले लेते हैं और एकदम घटिया से घटिया खाना खिलाएंगे लोग। अच्छा ये बताइए मुखर्जी नगर बिना आए IAS कोई बन सकता है कि नहीं? बन सकता है, साफ फैसल बना है। काहे इतना भीड़ है यहाँ पे? यहाँ एक्चुअली ये लोग मार्केट बना रखे हैं। आप फंस काहे जाते हैं, आप तो कलेक्टर बनने वाले हैं। हम तो SSC की तैयारी कर रहे हैं। एक तो मतलब जो है ना, तो आप माहौल तो खराब नहीं कर रहे हैं बेचारे UPSC वालों का? माहौल नहीं खराब कर रहे हैं, सही बता रहे हैं, जो सही बता रहे, करने वाले तो कहीं से भी कर लेते हैं, कहीं से भी कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल, चलिए बहुत बढ़िया। भाई साहब सुनिए सुनिए, अरे भागे का इंटरव्यू कैसे दीजिएगा? ऐसे मत कीजिए, भागिए मत, एक्सपोजर मिलना चाहिए ना, सामना कीजिए, सवालों का सामना कीजिए, कोट पैंट पहन के घूमिए, लगना चाहिए। कहाँ से हैं आप? हरियाणा से। क्या बनना चाहते हैं? IAS की कलेक्टर? इनकम टैक्स। छापा मारना चाहते हैं? हाँ। इनकम टैक्स ऐसा चॉइस कहाँ है आपका? बस चॉइस है तो है। ये हिंदुस्तान का पहला एक ऐसा जगह है जहाँ पर इतने बड़े ओहदों की चॉइस लेकर लड़का जेब में घूमता है, कोई कलेक्टर बनना चाह रहा है, कोई IPS बनना चाह रहा है, कोई इनकम टैक्स कमिश्नर बनना चाह रहा है। ये भाई साहब कमिश्नर बनना चाहते हैं और कहीं छापा ऊपर कोई दुश्मनी आपका गांव में किसी से कि बदला लेना हो ऐसा टाइप का कुछ? पूरा हिंदुस्तान दोस्त है। तब कलेक्टर, तब इनकम टैक्स में कीजिएगा क्या? कहाँ मारिएगा छापा? सब दोस्त है तो काला धन बचाइएगा आप क्या महाराज? सबको दोस्त मानिएगा तो ना माल कमा पाइएगा ना माल धर पाइएगा, कैसे होगा? माल से कुछ नहीं होता। क्या से होता? प्यार से, मोहब्बत से। हिंदुस्तान को पहला इनकम टैक्स कमिश्नर मिलने वाला है जो मोहब्बत से काम करेगा। आपको बहुत शुभकामनाएं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। और मैं, आप देख रहे हैं ये मुखर्जी नगर है, ये हिंदुस्तान के सामाजिक समीकरण को अगर समझना हो, उसकी महत्वाकांक्षा को समझना हो, युवाओं की महत्वाकांक्षा को समझना हो, तो आप मुखर्जी नगर आइए। आप IITians के बीच में जाइए, मेडिकल वालों के बीच में जाइए, लेकिन भारतीय गांव की आकांक्षा, उसकी महत्वाकांक्षा, उसके सपनों को अगर समझना हो, कितना बोझ लेकर सर पर यहाँ लोग आते हैं संघर्ष करने, उसके लिए आपको मुखर्जी नगर आना चाहिए। मैंने कुछ लोगों से बात की तो 7-8 साल पहले यहाँ कॉफ़ी नहीं बिकता था, बहुत मुश्किल से कभी PT-UT के रिजल्ट में लड़के कॉफ़ी बनाते थे चाय की जगह पर, अब तो कॉफ़ी वॉफी बिकने लगा। मैं कुछ साथियों से बात करता हूँ, इनसे करूँ कि इनसे करूँ? ओके, तो आप यहाँ पर मतलब देखने आए हैं? नॉट फॉर सीइंग, आई एम हियर जस्ट ओनली टू मीट माय फ्रेंड्स। अच्छा, ओके। IAS से आपको कोई नाता नहीं है? ये लोग कर पाएंगे कि नहीं, कुछ अंदाजा है आपको? ओके। आपका कोई रुचि इसमें कि मैं करना चाहूँ, क्यों नहीं कभी सोचा आपने? बिकॉज माई कंसर्न इज ओनली रिलेटेड विद जुडिशियल सर्विसेज एंड इनफैक्ट हायर जुडिशियल सर्विसेज। सो वंस आई विल हैव माई प्रैक्टिसेस फॉर 10 or 12 years, एंड सर्टेनली आई विल बी गोइंग फॉर हायर जुडिशियल सर्विसेज। कोई आपके घर में IAS की तैयारी करने वाला? Nobody is there. कोई गांव में आपकी तैयारी करने? Nobody is there. आप हिंदुस्तान के एक अद्भुत गांव से हैं, मैं आपको गले लगाता हूं, जिसके गांव में कोई IAS की तैयारी करने वाला नहीं है। मैं कह सकता हूं शायद भाग्यशाली भी है क्योंकि बहुत संघर्ष इस तैयारी में। आप तो शायद करने वाले होंगे? कहां से हैं आप? बांदा से। बांदा से हैं? बांदा, शायद तुलसीदास जी का जन्म उधर ही हुआ था क्या कहीं? जब हुआ था तब बांदा में था वो जगह, अब चित्रकूट में है इस समय, राजापुर चित्रकूट जिले में आता है। मुखर्जी नगर में अगर आप बात करें तो सवाल पूछने वाले को भी इतना आना चाहिए कि सवाल का जवाब देने वाले को लगे कि बंदा कुछ तो काम का है, नहीं तो यहाँ पर कोई एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। चलिए, आप कितने साल से हैं यहाँ? अभी 20 साल आया हूँ। कॉफ़ी का क्या रेट यहाँ चल रहा है? कॉफ़ी का आज पहली बार इनकी दुकान में आए हैं हम कॉफ़ी पीने। क्या बता रहा है, कितना दाम है? दाम तो हमने पूछा नहीं अभी, हमारे 25 कितना है? 20 का कॉफ़ी महंगा नहीं है? विद्यार्थी तो दिन भर में 10-20 कॉफ़ी पीता होगा। हाँ, तो कभी कभार जिसको आज नया साल का वो है, पुराना साल खत्म हो रहा है इसलिए कॉफ़ी पीने चले आए, वरना जल्दी तो चाय ही पीते हैं। ये है हिंदुस्तान, जिस हिंदुस्तान को GDP के आंकड़ों से दिखाया जाता है उसको आप इस वीडियो के माध्यम से दिखाइएगा, जहां हिंदुस्तान का युवा साल के अंतिम दिन सेलिब्रेशन के नाम पर 20 रुपए की कॉफ़ी पीता है, वरना वो हर दिन पानी डाल के पानी पीता है। ये है हिंदुस्तान का असली GDP, ये है हिंदुस्तान का असली विकास, जिसको आप NCERT की किताबों में पता नहीं कैसे पढ़ते हैं, मुखर्जी नगर की ज़मीन पर उसको पढ़ के देखिए, यहाँ के संघर्ष में, यहाँ की यात्रा में, तो आपको पता चलेगा कि देश का ग्रोथ और का विकास किस रास्ते पर है। आइए हम भी अपना विकास बढ़ाते हैं। बॉस, हम कॉफी नहीं, रहने दीजिए, 60 रुपया हो जाएगा। ये 20 आप कल पीजिएगा, 2 गोला लगाइएगा IAS में, है ना, फिर हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।
अब सोचता हूँ कि वो ख्वाब छोड़ दूँ, जो बात खुद से कहनी थी अब वो बात छोड़ दूँ। रात भर जाग कर जो लाल बत्ती का सपना जगमगाया था, अब वो इतना चुभता है लाल आँखों में कि उसकी आस ही छोड़ दूँ। बहता हुआ एक दरिया सा आया था मैं यहाँ ख्वाबों का पुलिंदा लेकर, अब थक गया हूँ इंतज़ार में कि उस धार को रोक लूँ। पर यूँ कमज़ोर नहीं हूँ मैं कि इस भीड़ से डर जाऊँगा मैं, आज नहीं तो कल उस पार ज़रूर जाऊँगा मैं। हर बार हंस के दबा लेता हूँ पाँव के छालों को बस ये बोलकर, रुकना नहीं अभी तुझे राही यूँ हार कर, अभी तो बस ये सफ़र की इब्तदा है। तो ये थी मुखर्जी नगर की यात्रा, और मेरे साथ हैं इस वीडियो के डायरेक्टर बिभू नंदन सिंह। बिहारी नंबर वन के जितने भी दर्शक हैं उन सबको बिभू नंदन सिंह का बहुत प्रणाम। हमारे साथ हैं क्षितिज राय। बस हम लोगों ने कोशिश की कि आपको मुखर्जी नगर की एक छोटी सी यात्रा करवाएं, और बिहारी नंबर वन चैनल पे आप इसको देख सकते हैं। थोड़ा सा लंबा वीडियो बना है लेकिन थोड़ा धैर्य से देखिएगा, बहुत लंबी कहानी है यहाँ के लोगों की। मुखर्जी नगर में अभी इसकी शूटिंग हुई है और भैया के साथ बहुत दिन से काम करने का मन था, और भैया कौन है इनके बारे में अगर जानना होगा तो यूट्यूब पे कभी सर्च कीजिएगा हाँ मैं बिहारी हूँ। भैया दो लाइन वो गुनगुना दीजिए जो वो लाइन था ताकि लोग जान सके। और हाँ मैं बिहारी हूँ, हाँ मैं बिहारी हूँ, देश बना है जिस मिट्टी से उसकी हिस्सेदारी हूँ, बुद्ध महावीर चंद्रगुप्त के गौरव का अधिकारी हूँ। हाँ मैं बिहारी हूँ, हाँ मैं बिहारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका, और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, अगर इस वीडियो का फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, और अगर इस वीडियो को आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।